डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, ये क्लास सिक्स का हिंदी बुक है, चैप्टर 13। चैप्टर का नाम है रक्त के बारे में। तो रक्त मतलब होता है खून, ब्लड जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में। तो इसके बारे में बताया गया है रक्त में क्या क्या चीज़ें होते हैं। इस तरह का चैप्टर हम लोग बचपन में भी पढ़ चुके हैं। इस तरह का चैप्टर अक्सर एक दिया रहता है और इसमें एनीमिया जो एक बीमारी होता है रक्त का, उसी के बारे में बताया जाता है। तो हम लोग पढ़कर देखते हैं। इसमें सचिन इन दिनों थकान का अनुभव करने लगा है, उसका किसी काम में मन नहीं लगता, भूख भी पहले से कम हो गई है। उसके पिताजी उसे अस्पताल में जांच कराने के लिए ले गए। उसे देखते ही डॉक्टर बोले, लगता है सचिन के शरीर में रक्त की कमी हो गई है, आप प्रयोगशाला में इसके रक्त की जांच करवा लें, इसके पश्चात ही मैं उचित निर्णय पर पहुंच सकूंगा। सचिन एक छोटा बच्चा है और वह बहुत जल्दी ही कोई काम करने में थक जा रहा है और कोई काम उसको करने का मन नहीं कर रहा है, इच्छा नहीं हो रहा है और भूख भी कम लग रहा है उसको। तो उसके पिताजी उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं और जैसे ही डॉक्टर देखता है तो लगभग वो पहचान लेता है कि इसको क्या प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी वो कंफर्म होने के लिए उसको जांच करने के लिए भेज देता है प्रयोगशाला में। सचिन के पिता उसे लेकर प्रयोगशाला में जा पहुँचे। वहाँ एक नर्स ने सचिन की उंगली से रक्त की कुछ बूंदें एक छोटी सी शीशी में डाल दी तथा कुछ बूंदें स्लाइड पर लगाकर उसे फैला दिया। फिर नर्स बोली, तुम कल आकर रक्त की जाँच रिपोर्ट ले जाना। उसके पिताजी उसको प्रयोगशाला में ले जाते हैं। वहाँ पर नर्स जो रहती है उससे कुछ उसके बॉडी से कुछ ब्लड निकाल लेती है और एक शीशी में डाल देती है। फिर एक स्लाइड रहता है, स्लाइड शीशा रहता है, तो उस पर फिर कुछ बूंदे लगा देती हैं ब्लड का और फिर सचिन को बोलती है कि रिपोर्ट जो है तुम कल ले जाना, क्योंकि तुरंत ही उसका रिपोर्ट नहीं बनता है। अगले दिन सचिन के पिता ने जांच रिपोर्ट ली और सचिन को लेकर डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने सचिन के रक्त की जाँच रिपोर्ट को ध्यानपूर्वक पढ़ा और बोले, मेरा अनुमान सही निकला, सचिन को एनीमिया है। चिंता की कोई बात नहीं, कुछ दवा लेगा तो ठीक हो जाएगा। एनीमिया से आपका क्या मतलब है डॉक्टर, सचिन के पिता ने पूछा। तो अगले दिन सचिन के पिता सचिन को लेकर जाते हैं वहाँ पे जांच रिपोर्ट लेने के लिए और जांच रिपोर्ट लेकर डॉक्टर के पास चले जाते हैं। डॉक्टर जब उस रिपोर्ट को पढ़ता है, देखता है, तो उसको पता चल जाता है कि इसको एनीमिया नाम की एक बीमारी है जो रक्त से संबंधित बीमारी होती है। तो उसके पिताजी को एनीमिया नाम का बीमारी के बारे में पता नहीं है। अब वो डॉक्टर से पूछता है कि एनीमिया नाम का बीमारी किस तरह का है, क्या है। तो फिर डॉक्टर उसको बतलाना शुरू करता है। डॉक्टर ने समझाना शुरू किया, देखने में हमारा रक्त लाल द्रव के समान दिखता है, पर यह भानुमति के पिटारे से कम नहीं। इसके दो भाग होते हैं, एक प्लाज्मा और दूसरा प्लेटलेट्स। प्लाज्मा तरल होता है, रक्त के कुछ कण लाल, कुछ सफ़ेद और कुछ ऐसे जिनका कोई रंग नहीं होता, उन्हें प्लेटलेट्स कहते हैं। ये कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। सचिन के पिता ने कहा, लाल और सफ़ेद कणों के बारे में जरा विस्तार से समझाइए डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब यहाँ पे बतलाना शुरू किए कि रक्त जिस तरह से हम लोगों को लाल लाल दिखाई देता है, रेड लिक्विड की तरह हम लोगों को दिखाई देता है लाल द्रव, एक प्लाज्मा होता है और दूसरा प्लेटलेट्स होता है। तो प्लाज्मा जो होता है वो लिक्विड होता है और उसमें कुछ रेड सब्सटेंस मतलब रेड कण होते हैं और कुछ सफ़ेद कण होते हैं जो कि उस प्लाज्मा में सभी तैरते रहते हैं। तो लाल कण और सफ़ेद कण के बारे में सचिन के पिता फिर से रिक्वेस्ट करते हैं कि इसके बारे में थोड़ा सा और ज़्यादा समझाइए। तो डॉक्टर साहब क्या बोल रहे हैं, यदि हम 1 मिलीलीटर रक्त लें तो उसमें 40 से 55 लाख तक लाल कण मिलेंगे, मतलब बहुत ज़्यादा छोटा छोटा कण रहता है, वो नॉर्मली आंखों से दिखाई नहीं देगा। इसके कारण ही हमें रक्त का रंग लाल नज़र आता है। ये कण शरीर के लिए दिन रात काम करते रहते हैं ऑक्सीजन को शरीर के प्रत्येक हिस्से तक पहुंचाने का काम यही करते हैं। तो ये रेड कण जो है, ये लाल कण जो है, यही हम लोगों का बॉडी में जो है हर पार्ट में ऑक्सीजन पहुँचाता है और इसी की वजह से ब्लड जो है रेड दिखाई पड़ता है। सफ़ेद कण हमारे शरीर ये वीर सिपाही हैं, जब कभी रोगाणु शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करते हैं तब ये सफ़ेद कण ही उनका डटकर मुकाबला करते हैं और सफ़ेद कण हमारे बॉडी में सैनिक की तरह होते हैं। बाहरी वातावरण में कई ऐसे रोगाणु जीवाणु होते हैं जो हमारे शरीर पर लगातार अटैक करते रहते हैं, तो उससे लगातार वो फाइट भी करता रहता है। इसीलिए कहा जाता है कि हमें बैलेंस डाइट लेना चाहिए जिससे हमारा ब्लड का जो शारीरिक रेजिस्टेंस पावर है वो मजबूत बना रहे और हम बीमारियों से लड़ सकें। अगर बॉडी का रेजिस्टेंस पावर मजबूत नहीं रहेगा तो तुरंत ही हम किसी भी दूसरे तरह का हवा पानी लेते हैं तो उसमें जो है हम बीमार पड़ने की काफ़ी संभावना बढ़ जाता है। थोड़ा रुककर डॉक्टर ने फिर कहना शुरू किया, अब मैं तुम्हें प्लेटलेट्स के बारे में बता दूं। प्लेटलेट्स कणों का काम है चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में सहायता करना। रक्त के तरल भाग प्लाज्मा में एक विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है जो रक्त वाहिका की कटी फटी दीवारों में मकड़ी के जाले के समान एक जाला बुन देती है। प्लेटलेट कण इस जाले में चिपक जाते हैं और इस तरह दीवार में आई दरार भर जाती है, इससे रक्त बाहर बहना बंद हो जाता है। तो प्लेटलेट्स का काम यहाँ पे बताया गया है कि प्लेटलेट्स जब हम लोग को चोट लग जाता है तो
हम लोग देखते हैं कि धीरे धीरे ब्लड जब निकलते निकलते क्या होता है, वो धीरे धीरे जमने लगता है, जम जाता है, जहाँ कट जाता है वो जम जाता है। तो ये जमना, ब्लड का जमना प्लेटलेट्स के कारण होता है और ये बहुत ज़रूरी होता है। और आगे क्या दिया हुआ है, डॉक्टर साहब एनीमिया किन कणों की कमी के कारण होता है। सचिन के पिता अब जो है, जो रोग सचिन को हुआ है उसके बारे में पूछ रहे हैं कि एनीमिया किस कमी के, मतलब ब्लड में कौन सा कण कम हो जाता है जिसके कारण ये बीमारी होता है। तो डॉक्टर साहब ने क्या उत्तर दिया कि लाल रक्त कणों की कमी के कारण एनीमिया हो जाता है। रेड ब्लड सेल्स जो है वो अगर कम हो जाए तो फिर एनीमिया नामक बीमारी हो जाता है। जब पर्याप्त मात्रा में लाल रक्त कण नहीं बन पाते तो इनकी कमी हो जाती है और हम एनीमिया के शिकार हो जाते हैं। तो इस तरह से रेड ब्लड सेल्स अगर हमारे बॉडी में ना बन पाए तो हम एनीमिया का शिकार हो जाएंगे। तो इसीलिए आप लोग को यहाँ पर पता चल रहा होगा, तो आप जो है भोजन, घर का भोजन जरूर लें। अदरवाइज़ बच्चे बहुत सारा जंक फूड लेते रहते हैं, ये मैगी लेते रहते हैं, तो चाउमीन खाते रहते हैं, बाहर जो भी फूड आइटम है उसको कम से कम लेने का प्रयास करें। अब यहाँ पे आगे दिया हुआ है, डॉक्टर साहब एनीमिया से बचने के लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं, सचिन ने पूछा। अब सचिन को जिज्ञासा हुआ और वह डॉक्टर से पूछ रहा है कि हम इस बीमारी से बचने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं। डॉक्टर साहब ने सचिन को समझाया, एनीमिया से बचने के लिए हमें पौष्टिक आहार लेना चाहिए। इसमें हरी सब्जियाँ, फल, दूध, अंडा और गोश्त आदि तत्व उपयुक्त मात्रा में होने चाहिए। इसके अतिरिक्त इस रोग का एक बड़ा कारण है पेट में कीड़ों का होना। ये कीड़े दूषित जल और अस्वच्छ खाद्य पदार्थों से हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं और घर कर जाते हैं। भोजन करने से पूर्व हमें अपने हाथ भली प्रकार साफ कर लेने चाहिए और पानी भी साफ ही पीना चाहिए। तो डॉक्टर साहब यहाँ समझा रहे हैं कि किस तरह से हम एनीमिया से बच सकते हैं। सबसे पहले बता रहे हैं कि हमें पौष्टिक आहार लेना चाहिए। इस तरह से पौष्टिक आहार में कई सारा नाम यहाँ पे दिया हुआ है, इस तरह का भोजन हमें लेना चाहिए। और कई बार पेट में कीड़े हो जाते हैं ये भी बता रहे हैं। तो कीड़े कैसे हो जाते हैं, जैसे कि बासी खाना हो गया या फिर गंदे हाथों से हम लोग खा लेते हैं, इस तरह का कई कारण होता है जिसके वजह से हमारे अंदर वो कीड़े चले जाते हैं और वो घर कर जाते हैं। तो उससे हमें बचना होगा और स्वच्छ जल, पानी पीने के समय हमें फिल्टर करके पानी पिए तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो मतलब स्वच्छ जल ही पीना है, अदरवाइज फिर समस्या हो सकता है। इस तरह की बातें बतला रहे हैं डॉक्टर साहब। फिर डॉक्टर साहब ने सचिन के लिए कुछ आवश्यक दवाएँ दी, लिख दी। सचिन और उसके पिता डॉक्टर को धन्यवाद देकर घर लौट आए। तो फिर उसके लिए दवाइयाँ होती है, जिन बीमारियों की दवाइयाँ होती है, इसका ऐसा मतलब नहीं है कि हम उस बीमारी से बचने का प्रयास ना करें। बीमारी कोई भी अच्छी नहीं होती, अगर एक बार लग जाए तो फिर समस्या, वो कई ऐसी बीमारियाँ हैं जो लाइलाज होती है और आपको उसके लिए फुल टाइम, मतलब पूरा लाइफ टाइम जो है दवाइयाँ खाना पड़ता है। तो इसीलिए अभी से ही स्वच्छता के लिए और स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए प्रयासरत रहें। यहाँ पर ये चैप्टर समाप्त हो गया है। फर्स्ट में यहाँ दिया हुआ है इसका शब्दार्थ दिया हुआ है जो कि हिंदी इंग्लिश में देता है, इसको जरूर एक बार याद करें। और इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है इसका क्वेश्चन, जो इस चैप्टर का मेन क्वेश्चन है, और आगे में दिया हुआ है कई क्वेश्चन है। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। चैप्टर 13 का क्वेश्चन आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, सचिन के पिताजी उसे अस्पताल क्यों ले गए। सचिन को थकान अनुभव हो रहा था, उसको किसी काम में मन नहीं लग रहा था और भूख भी कम लग रही थी, इसीलिए उसके पिताजी उसे अस्पताल ले गए। सचिन के रक्त की जांच से क्या बात पता चली। सचिन के रक्त की जांच से यह बात पता चली कि उसे एनीमिया हो गया है। रक्त के कौन कौन से भाग होते हैं, रक्त कण किस किस रंग के होते हैं। रक्त के दो भाग होते हैं, एक प्लाज्मा और दूसरा प्लेटलेट्स। रक्त के कुछ कण लाल, कुछ सफ़ेद और कुछ ऐसे जिनका कोई रंग नहीं होता। सफ़ेद रक्त कण हमारे शरीर के लिए क्या काम करते हैं। सफ़ेद रक्त कण हमारे शरीर के वीर सिपाही हैं। जब रोगाणु शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करते हैं तब ये सफ़ेद कण उनका डटकर मुकाबला करते हैं। प्लेटलेट कणों का क्या काम है। प्लेटलेट कणों का काम है चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में सहायता करना। एनीमिया किसकी कमी के कारण होता है, इससे कैसे बचा जा सकता है। एनीमिया लाल रक्त कणों के कमी के कारण होता है, इससे बचने के लिए हमें पौष्टिक आहार लेना चाहिए। इसमें हरी सब्जियाँ, फल, दूध, अंडा और गोश्त आदि तत्व उपयुक्त मात्रा में लेनी चाहिए। एनीमिया होने के अन्य क्या कारण हैं। एनीमिया होने का एक और बड़ा कारण है पेट में कीड़ों का होना। ये कीड़े दूषित जल और अस्वच्छ खाद्य पदार्थों से हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। भोजन करने से पहले हमें अपना हाथ ठीक से साफ करना चाहिए और साफ पानी ही पीना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, जहाँ पे सोचो और बताओ का क्वेश्चन दिया हुआ है, डॉक्टर की प्रयोगशाला में क्या क्या होता है। डॉक्टर की प्रयोगशाला में प्रयोग संबंधित टूल्स होते हैं और कई प्रकार के उपयोग होने वाले केमिकल्स होते हैं। नर्स क्या क्या कार्य करती हैं।
नर्स डॉक्टरों के आदेश का पालन करती है। रोगियों को सही समय पर दवाई देना और उनकी देखभाल करना उनका कार्य होता है। जांच रिपोर्ट से आप क्या समझते हैं? जांच रिपोर्ट का अर्थ है हमारे शरीर के किस भाग में समस्या उत्पन्न हुई है उसका सही जानकारी प्राप्त करना। प्लाज्मा क्या होता है? रक्त का तरल भाग प्लाज्मा कहलाता है। पौष्टिक आहार में क्या क्या होना चाहिए? पौष्टिक आहार में हरी सब्जियां, फल, दूध, अंडा और मांस होना चाहिए। इसमें आगे फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन दिया हुआ है, शॉर्ट क्वेश्चन, तो उसको हम लोग कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए कहा गया है। डॉक्टर ने सचिन की जांच रिपोर्ट को ध्यानपूर्वक पढ़ा। रक्त की कुछ डैश, मतलब यहाँ पे बूंदे हो जाए, बूंदे स्लाइड पर लगाकर फैला दी गई। डैश की कमी के कारण अनिमिया हो जाता है। तो यहाँ पे लाल रक्त कणों की कमी के कारण एनीमिया हो जाता है। और दूषित जल और अस्वच्छ खाद्य पदार्थों से कीड़े हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। तो यहाँ पे जो ब्लैंक्स में भरे जाएंगे उसके वर्ड्स आपको स्क्रीन पे मिल जाएंगे। और इसके आगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 जो दिया हुआ है, इसमें कुछ मुहावरे दिए हुए हैं और इसको वाक्य में प्रयोग करने के लिए कहा गया है। जैसे कि धावा बोलना, तो धावा बोलना मतलब हमला करना। तो हमला करना, इसका वाक्य क्या हो जाएगा? इसका वाक्य हो जाएगा, इससे पहले कि दुश्मन धावा बोले हमें उसे परास्त करना होगा। तो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे लिखा हुआ आ जाएगा यहाँ पे मीनिंग, और यहाँ पे इसका सेंटेंस, भानुमति का पिटारा, तो इसका हो जाएगा आवश्यकता की सभी वस्तुएं होना, इसका अर्थ हो जाएगा। और इसका वाक्य में आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, या फिर आप लिख सकते हैं वह लोगों को ऐसे मदद करता है जैसे उसके पास भानुमति का पिटारा हो। उसके बाद घर करना, घर करना मतलब जड़ जमाना, कड़वी बातें लोगों के मन में घर कर जाता है। इस तरह का आप वाक्य बना सकते हैं या अपने अनुसार वाक्य बना सकते हैं। इसके आगे दिया हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखो जो रोगियों का इलाज करे। डॉक्टर, जो गाड़ी चलाने का काम करे। चालक, जो खेती बाड़ी का काम करे। किसान, जो व्यवसाय करता हो। व्यवसायी, जो पढ़ाता लिखाता हो। शिक्षक। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे क्रिया पे इसको रेखांकित करने के लिए कहा गया है। कल मैं उचित निर्णय पर पहुँच सकूँगा, तो पहुँच सकूँगा यहाँ पे ये क्रिया है। दवा लेगा तो ठीक हो जाएगा, तो यहाँ पे लेना और होना, ठीक होना, तो ये क्रिया हो जाएगा। उसके बाद नर्स ने रक्त की बूंदों को स्लाइड पर फैला दिया, तो यहाँ पर फैलाना, फैला दिया, ये क्रिया हो जाएगा। ये कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं, तो तैरते रहते ये जो है वर्ड, ये क्रिया हो जाएगा। इसके बाद हमें पौष्टिक आहार लेना चाहिए, तो लेना जो है यहाँ पे क्रिया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे इसको स्वयं बना सकते हैं। इन शब्दों के निर्माण पर ध्यान दीजिए। प्रयोगशाला, तो प्रयोग प्लस शाला। गौशाला, तो गौ प्लस शाला। धर्मशाला, तो धर्म प्लस शाला। पाठशाला, तो पाठ प्लस शाला। यज्ञ प्लस शाला। इस तरह से यहाँ पे ये पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे इसी के साथ यह चैप्टर पूरी तरह समाप्त हो गया है। अगर हमारा वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे चलेंगे।